जरा सा रुक जाइए। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, आज फरियादी बनकर आए हैं, आप विधायक हैं। है, बिल्कुल सही है। आम जनता की तरह हम भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम माननीय मंत्री से भेंट कर रहे हैं। छपरा की कुछ बुनियादी समस्या है जिनको मैं मंत्री जी को आगाह करना चाहूँगा। हमारे यहाँ चिकित्सकों के लिए कोई भी रहने की व्यवस्था नहीं है, चाहे वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हो या मेडिकल सर हो। पहले हुआ करता था उसी अस्पताल में, लेकिन भवन बहुत पुराना हो गया जिसके दूसरे ढंग से उन लोग उपयोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विशेष पहल करें और चिकित्सकों के लिए रहने के लिए भवन का निर्माण करावें। आपको जानकर ये खुशी होगी, माननीय मंत्री जी द्वारा वहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने के संबंध में काफ़ी प्रयत्नशील हो रहे हैं, अभी हैं और निकट भविष्य में खोलने वाला है। इसलिए भी आवश्यक है कि चिकित्सकों के लिए ये सुविधाएं अस्पताल के अंदर उपलब्ध हो। आपको जानकारी होगी कि छपरा प्रमंडलीय अस्पताल है। आपके दल के विधायक, माननीय विधायक डॉक्टर सीन गुप्ता जी, जनता की बात को लेकर आज जनता के साथ हमसे मिले हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि पहले जनप्रतिनिधियों को अस्पतालों में दवाइयों के लिए मिलना पड़ता था मंत्री से, पहले डॉक्टर आ जाए अस्पताल में इसके लिए मिलना पड़ता था, बेड लग जाए और उस पर चादर बिछ जाए और पंखा चले इसके लिए मिलना पड़ता था। अब स्थिति यह हो गई है कि जनता को जो वो सारी सुविधाएं मिलनी है वो सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं। अब जो चिकित्सक हमारे इलाज करते हैं उनको यदि कोई कठिनाई है आवासन की तो उसका समाधान निकले, इस तरफ डॉक्टर साहब आग्रह करने के लिए आए हैं। और मैंने डॉक्टर साहब को भरोसा दिलाया है कि यह जो विषय आपने उठाया बड़ा प्रासंगिक विषय है, इस तरफ हम सकारात्मक तरीके से इसका हल निकालेंगे।